नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे रेवाड़ी शहर की। रेवाड़ी की आज की ताज़ा खबर 28 जुलाई 2020। रेवाड़ी में कल 90 नए केस सामने निकल कर आए, जिससे एकदम स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए, टेस्टिंग बढ़ाती जा रही है सरकार, इसलिए ये पॉजिटिव भी काफ़ी निकल के आ रहे हैं सामने। रेवाड़ी शहर से 52 केस सामने निकल कर आए हैं, धारवाड़ा से 17, करनावास से 8, बावल से 5, गोकलगढ़ आलमगीर राजपुरा से 2-2 केस सामने निकल कर आए हैं, और बिटवाना माजरा शिवराज गोटरा टप्पा खोरी से 1-1 केस सामने निकल कर आया है। राजावास नांदा और सुंदरौज में भी 1-1 केस सामने निकल कर आया है। ठीक है, ये 90 केस कल रेवाड़ी में नए आए हैं। इसके बाद अच्छी खबर ये है कि रेवाड़ी में जितने केस ज़्यादा आ रहे हैं उतने ठीक भी ज़्यादा ही लोग होते जा रहे हैं। रेवाड़ी में कल 94 लोग ठीक हुए हैं, जिनमें से रेवाड़ी शहर में 60 लोग ठीक हुए हैं, धारवाड़ा में 14, बावल में 10, करनावास में 3, बोरथल जाट और पदियावास में 2-2 व्यक्ति ठीक हुए हैं, सुधारना राजावास और भाड़ावास में भी 1-1 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। अब टोटल रेवाड़ी की बात करो तो रेवाड़ी में अब टोटल पॉजिटिव केस हो चुके 1508, जिनमें से 1046 लोग ठीक भी हो चुके हैं, 454 ऐसे केस हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, और 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में टोटल अब केस हो चुके हैं 32,418, जिनमें से 25,271 लोग ठीक भी हो चुके हैं, 407 लोगों की मैं बता दूं यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है हरियाणा के अंदर। और इसके बाद एक्टिव केस की अगर मैं आपको बताता हूँ तो एक्टिव केस अब हरियाणा के अंदर टोटल रह गए 6,740। रेवाड़ी के देखिए अब और खबर दिखा देता हूँ आपको। प्राइवेट स्कूल में 31 जुलाई तक फीस जमा करानी होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि 31 जुलाई तक जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको फीस जमा करानी ही पड़ेगी। अगर 31 जुलाई तक उन्होंने फीस जमा नहीं कराई तो 31 जुलाई के बाद जो भी पढ़ाई होगी स्कूल में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी ऑनलाइन ही होगी मेनली, तो उनको उसमें हिस्सा नहीं लेने देंगे। और जितना भी एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, सारा जमा कराना होगा प्राइवेट स्कूलों को। ये बड़ा फैसला है। नेक्स्ट, युवक को गोली मारने के आरोपित दबोचे। मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 6 थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की गर्दन में गोली मारकर जान से मारने की कोशिश करने वाले के 2 आरोपित गिरफ्तार कर लिए हैं और उनको अब पकड़ लिया है। ठीक है, 15 जुलाई की बात है, 15 जुलाई को एक लड़का गया था और 16 जुलाई को उसकी लाश मिली थी, तो उसके जो 2 आरोपित थे वो दबोच लिए हैं पुलिस ने। नेक्स्ट, मंत्री ने अंडरपास के लिए की बात, मैं आपको बता देता हूँ। अंडरपास मामले में जो सहकारिता मंत्री हमारे डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने सोमवार को DC यशेंद्र सिंह से बातचीत की है कि वो फटाफट ये जो अंडरपास का काम कराने में हेल्प करे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर जो नज़दीक है, जहाँ पर वो अंडरपास बने, वहाँ पर ITI, रेलवे स्टेशन और अन्य जो प्रतिष्ठान है वो भी पढ़ते हैं, जिनसे विद्यार्थियों ग्रामीणों का वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। लेकिन वहाँ पर हाईवे है जिसमें हादसे होते रहते हैं, तो अगर अंडरपास बन जाएगा जल्द से जल्द तो ये हादसे नहीं होंगे और सबका काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए मंत्री ने ये कहा है कि जल्द से जल्द ये हेल्प कराई जाए हमारी। सीवर ओवर फ्लो से जनता परेशान। मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी बाग की एक गली है जिसमें बहुत गंदा पानी भरा हुआ है और सीवर वहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, जो स्थानीय हमारे विधायक है चिरंजीव राव, उन्होंने भी वहाँ का दौरा किया है और वहाँ पर परेशानी देखी है लोगों की, और ये कहा है कि फटाफट इसका सोल्यूशन किया जाए। लोगों ने यही कहा है मंत्री जी से। 7 से 9 अगस्त तक हड़ताल करेंगी आशा वर्कर। मैं आपको बता देता हूँ कि 7 से 9 अगस्त तक आशा वर्कर है वो हड़ताल पर रहेंगी। मनेठी एम्स बनवाने की जल्दी। आपको बता दूं कि राव इंद्रजीत है जो हमारे मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि जो गांव मनेठी में जो एम्स बनने की जो औपचारिकताएं हैं वो फटाफट पूरी कर ली जाए और उसके बाद एम्स का जो निर्माण है वो स्टार्ट किया जाए। तो ये बड़ी फैसले हैं। आज के रेवाड़ी की आज की खबर यहीं पर समाप्त होती है। देखते रहिए हमारे चैनल को, हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं।